नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आम आदमी पार्टी ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें डीजीपी ने कहा था कि अपराध रोकना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है बल्कि जनता का भी दायित्व है। लोग जागरूक होंगे तब अपराध पर अपराध का खात्मा किया जा सकता है। डीजीपी ने ये कहा था और इस पर आम आदमी पार्टी ने सहमति जताई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं इन पुलिस अधिकारी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। आप भी सुनिए, क्या समाज अपराधियों को सम्मान नहीं देते? आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार ये कहते रहे हैं कि ठीक है, ये पुलिस की जिम्मेवारी है और अपराध का पूरी तरह से खात्मा नहीं किया जा सकता। पुलिस अपराध को रोक सकती है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, अपराध पर अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है, लेकिन आम आदमी का भी दायित्व है, आम आदमी की भी जिम्मेवारी है। जन सहयोग से अपराध पर काबू पाया जा सकता है। जाति के नाम पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, सियासत के नाम पर, राजनीति के नाम पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, अपराधियों को बचाया जाता है। तो जब तक ये नहीं रुकेगा, अपराध के खात्मे की गारंटी कोई कैसे दे सकता है और अपराध पर काबू कैसे पाया जा सकता है? डीजीपी ने ये तमाम बातें कही थी, उसका आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने इस बयान का समर्थन किया है। हम आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। सुनिए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कहा था। ने कहा कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद जो है सो अपराधी में खौफ है, आज फिर घटना हुई है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? ये आपको या तो नया नया पत्रकारिता सीख रहे हैं या आपको सलीका नहीं है क्या सवाल करना चाहिए कि कौन आदमी यह दावा कर सकता है कि आज के बाद जीवन में अपराध नहीं होगा, सूबे में अपराध नहीं होगा? ये तो चूहे के बिल्ली के खेल की तरह है। अपराध होता है, अपराध होगा, पुलिस का काम है उसको रोकने की कोशिश करना, नहीं रोक सके तो उसको डिटेक्ट करना। ये कोई थप्पा देने वाला है क्या कि आज से अपराध बंद? ये कोई दे सकता है? भगवान भी, जहां से 15 साल 16 साल 18 साल के लड़के दारू पी रहे, स्मैक खा रहे हैं, हीरोइन खा रहे हैं, नशा की तरफ उनकी प्रवृत्ति हो गई है। अपराध रोकना केवल पुलिस का काम नहीं है, पुलिस उसके लिए स्पेसिफिक एजेंसी जरूर है, लेकिन जब तक जनता नहीं जागेगी और अपराधियों के विरुद्ध एक माहौल नहीं बनेगा, जात के नाम पर अपराधी का समर्थन करते हो, मजहब के नाम पर अपराधी का समर्थन करते हो, दल के नाम पर अपराधी का समर्थन करते हो, अपराधी को हीरो बनाते हो, उसकी पूजा करते हो, उसका स्वागत करते हो, माला पहनाते हो और अपराध रोकने की बात करते हो। अपराध रोकने का काम केवल पुलिस का नहीं है, समाज के सारे लोगों को जगना होगा, उठना होगा, अपराध की संस्कृति के खिलाफ लड़ना होगा, तभी समाज में अपराध पूरी तरह से। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जन सहयोग की गुजारिश लगातार करते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि किसी भी बुराई को समाज से मिटाने के लिए जन सहयोग जरूरी होता है, चाहे वो अपराध हो, नशा मुक्ति हो, शराबबंदी हो, कोई भी काम हो, कोई भी सामाजिक बुराई हो, उसको दूर करने के लिए आम लोगों की जिम्मेवारी भी होती है, आम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने बयान भी दिया था, अपराध को लेकर भी इसी तरह का बयान दिया था, अपराध को लेकर भी आम लोगों से गुजारिश करते रहे हैं। बाकायदा उन्होंने नंबर जारी किया है और लगातार ये कहते रहे हैं कि जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक अपराध का पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा। तो एक सवाल पूछा गया था उनसे अपराध को लेकर और उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था जिसका अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खुलकर समर्थन किया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।